नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को अपनी काबिलियत के दम पर झुकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में। आज हम बहुत ही सहज और सरल शब्दों में मनीष कश्यप के पूरे प्रकरण पे चर्चा करेंगे। मनीष जेल गए और जब जेल से वापस आए तो जन समर्थन रूपी जो सैलाब था उन्होंने देखा, तो उनका मनोबल जो है और अधिक बढ़ गया, जिसके कारण वे और भी मुखर होकर अपने विरोधियों के खिलाफ बोलते रहे। मनीष चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं और वो अपने ही लोकसभा क्षेत्र यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मनीष जनसंपर्क करते हैं। उस जनसंपर्क में उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है लोगों से। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है, बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीजेपी से वहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं संजय जायसवाल, उनको टिकट मिल जाता है। फिर मनीष घोषणा करते हैं कि वो निर्दलीय ही चुनाव में लड़ेंगे और वो अपने चुनाव प्रचार करने लगते हैं। वो डेली अपने काफिले के साथ, अपने लोगों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क तेज कर देते हैं। एक समर्थन का सैलाब जो है उनके लिए उमड़ जाता है। जहाँ भी जाते हैं लोग उनको घेर लेते हैं और उनको समर्थन देने की बात करते हैं। मनीष वहाँ के स्थानीय समस्याओं को उठाते हैं और उसको निपटाने की बात भी करते हैं। ये सब चीज़ें जब बीजेपी देखती हैं तो उनको भय होता है कि कहीं ना कहीं हम वो अपना सीट गंवा न बैठे, जिसके कारण होता ऐसा है कि बीजेपी डर जाती है और मनीष को दिल्ली बुलाया जाता है। मनीष को दिल्ली बुलाते हैं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। मनोज तिवारी से उनका पहले भी संबंध अच्छा रह चुका है। मनोज तिवारी जो हैं पहले भी मनीष कश्यप के घर पे आ चुके हैं। मनीष कश्यप को दिल्ली बुलाया जाता है और मनीष कश्यप को दिल्ली बुलाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाती है। अब एक बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में है बिहार में, जैसा कि बोला जाता है कि जो बना हुआ है बनल के सभे सार होला और बिगड़ल के कोई बहनोई ना बने के तैयार होला। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अच्छी स्थिति में है सब उसको अपने से रिलेट करना चाहते हैं, सब लोग उसको अपना जीजा बताते हैं, और अगर कोई गरीब आदमी है, कोई अच्छे स्थिति में नहीं है, तो कोई उसका जीजा बनने के लिए भी तैयार नहीं होता है। इसका सार यही है। कहने का मतलब ये है कि मनीष को उस वक्त बीजेपी ने नकार दिया जब उनको लगा कि मनीष का उस लोकसभा क्षेत्र में या बिहार की राजनीति में कोई खास पकड़ नहीं है। लेकिन जब बीजेपी ने ये वाच किया, देखा उनकी लोकप्रियता को, देखा ऐसा लगा कि मनीष जीत जाएंगे और मनीष के द्वारा हम बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मनीष के द्वारा हम बिहार के विधानसभा चुनाव को साध सकते हैं। मनीष की उपयोगिता जो है बीजेपी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को दिखी, तब मनीष को दिल्ली बुला लिया जाता है। एक बात मैं यहाँ बहुत ही जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि बिहार में बीजेपी के जितने भी नेता हैं, भले ही विद्वान लोग हैं बीजेपी में काफ़ी पढ़े लिखे नेता भी हैं, लेकिन बिहार का कोई भी बीजेपी का नेता उस लेवल का नहीं है जो तेजस्वी की लोकप्रियता का टक्कर दे सके। ये बात बीजेपी के नेता ये बात जरूर कह सकते हैं कि तेजस्वी नवी फेल है, लेकिन तेजस्वी की लोकप्रियता को टक्कर देने वाला बिहार बीजेपी का कोई भी नेता नहीं है। और मनीष जब से जेल से निकले हैं वो लगातार तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं और तेजस्वी यादव को चुनौती देते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी को समझ में आ गई कि बिहार बीजेपी जो बुझती हुई चिराग है बिहार में, तो उसको कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो है आगे ले आ सकते हैं। मनीष कश्यप के रूप में बीजेपी को बिहार में अपना भविष्य दिख रहा है। बहुत संभव है कि चुनाव के बाद
मनीष कश्यप को बीजेपी बिहार में एक बड़ा दायित्व दे दे, क्योंकि जिस हिसाब से मनीष कश्यप ने इंटरव्यूज में अपनी बात को रखा है, कहा है, मनीष ने कहा है कि बीजेपी हमें सम्मान दे रही है तो हम क्यों नहीं बीजेपी में, हम बीजेपी को ज्वाइन करें, जो काम हम करना चाहते थे, जो सेवा भाव हम लोगों का करना चाहते हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़कर भी किया जा सकता है। हाँ, एक गौर करने वाली बात मैं बता दूं, मनीष ने कहा कि सदन में तेजस्वी की आंखों में आंखें डालकर मैं सवाल करूंगा। अब यहाँ इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए, सदन में आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली जो बात है, तो सदन में पहुँचने का मतलब कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनसे ये वादा किया होगा कि आपको कोई मंत्री परिषद देंगे। सदन में आंखें मिलाकर बात करने का मतलब है कि बीजेपी मनीष कश्यप को मंत्री पद दे सकती है, और मंत्री पद से हमारा आशा है, बहुत ज़्यादा संभव है कि मनीष कश्यप को चुनाव बाद बिहार में डिप्टी सीएम बना दे, और तभी इतना आत्मविश्वास से वो तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे सदन में। क्योंकि मनीष का जो औरा है, जो उनकी शैली है, वो न सिर्फ तेजस्वी को बिहार में टक्कर देगा, बल्कि बिहार में बीजेपी को एक मजबूत चेहरा भी देगा, एक सशक्त नेता भी देगा। वैसे भी आप बिहार के बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि या तो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों पार्टियों ने जनता के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट पे, आप ऐसा देखेंगे, आप मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं कि बहुत से लोकसभा क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि वहाँ पे प्रत्याशी थोपने का काम हुआ है, प्रत्याशियों को जबरन आम जनता पर थोपा गया है, वहाँ पे एक प्रत्याशी विहीन जो है, अच्छे प्रत्याशी की कमी देखने को मिल रही है। तो विधानसभा के चुनाव में मनीष कश्यप को बीजेपी अपने में लाकर यह एक कमी जो है पूरा करने की कोशिश कर सकती है या कोशिश करेगी। ऐसे में मनीष का जो चेहरा है बिहार में बीजेपी को संजीवनी का काम कर सकती है, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा करा सकती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।